प्राइवेट पार्ट के सेहत के लिए ऐसे 5 सुपर फूड्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा अपने वैवाहिक जीवन में। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कि हमारे बॉडी में सूजन आती रहती है जब ये पूरी प्रोसेस चालू है, खान पान, डाइजेस्ट करना, हर जो कोशिकाएं हमारी जो है वो जिंदा रहती है तो काफ़ी सारा डाइजेशन होता है, जो गंदगी है वो बाहर फेंके जाती है तो उससे सूजन आती है बॉडी में, ऑक्सीडेंट्स तैयार होते हैं, फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं और फिर उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेंट्स तैयार होना मतलब फ्री रेडिकल्स तैयार होना और इन्फेक्शन होना ये आम बात है। इससे क्या होता है कि सेहत ठीक रहती नहीं है और जब सेहत ठीक नहीं है तो उसका असर, बुरा असर इरेक्शन पे होता है और जल्दी निकल जाने में होता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ ऐसी 5 चीज़ें जो आप खाते हैं तो डेफिनेटली आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिलेगा, मतलब सूजन कम होगी बॉडी की, एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट मिलेगा, फ्री रेडिकल्स जो है वो साफ़ हो जाएंगे और एंटी इन्फेक्शन जो है वो भी इफेक्ट मिलेगा। उसके साथ साथ आपकी प्राइवेट पार्ट की सेहत जो है वो अच्छी रहेगी, ब्लड फ्लो अच्छा बढ़ेगा, इरेक्शन अच्छा आएगा और स्टेमिना भी अच्छा टिकेगा। तो कौन से 5 फूड? नंबर 1 है कलौंजी। कलौंजी जो है ये बहुत ही बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। 1 चम्मच आप चबाकर पानी के साथ में ले सकते हैं और एकदम आसान तरीका है लेने का, या फिर उसको पीस कर ले सकते हैं कलौंजी। 2 हल्दी, करक्यूमिन। हल्दी तो सबको मालूम है कि भाई मेरे दादी ने, मेरे नानी ने, मेरे माँ ने हमको हल्दी बचपन से खिलाते आ रहे, हल्दी और गुड़ मिला के वो लड्डू बनाते थे छोटे छोटे और वो खिलाते थे। हल्दी और दूध, कुछ भी बुखार आ गया, सर्दी जुकाम खांसी आ गई, हल्दी और दूध देते थे। तो जख्म हो गई तो जख्म के ऊपर हल्दी लगा देते हैं। मतलब हल्दी बहुत ही बढ़िया पदार्थ है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फेक्टिव, एंटी ऑक्सीडेंट है, करक्यूमिन भी उसको बोलते हैं। तो हल्दी 1 चम्मच आप दूध में डाल के 1 कप दूध पीते हैं, बहुत फ़ायदा हो जाएगा, या फिर हल्दी के गुड़ के साथ में लड्डू बना के खाना छोटे छोटे। 3 शहद। ये एंटी डिप्रेशन, एंटी एंग्जाइटी है शहद। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच आप शहद मिला के 1/2 लींबू उसमें निचोड़ देते हैं और पी लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा उसका होगा। 4th पदार्थ है अंजीर। 4 या 5 अंजीर रोज आप खाते हैं तो उसका इम्यूनिटी बूस्टर है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी, खून का सप्लाई बढ़ाने में, पेनिस में बहुत काम में आते हैं, हड्डियों के लिए तो बहुत है ही। बच्चों को नूडल्स खिलाते हम और बुरी आदतें लगाते हैं, उसके बदले अंजीर खाने की आदत लगाई, बहुत फ़ायदा होगा। 5 है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल तो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है और अपने खाने में ऑलिव ऑयल लोग इस्तेमाल करते हैं। 2 चम्मच ऑलिव ऑयल आप कैसे भी करके लेते हैं, मतलब सब्जी में, दाल में, मतलब उसमें फ्राई करते हैं ऑलिव ऑयल में, बहुत बेहतरीन रहेगा। उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट इरेक्शन में, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में, सेक्स हार्मोन बढ़ाने में और क्वांटिटेटिव सीमेन क्वांटिटी बढ़ाने में फ़ायदा होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। ये 5 सुपर फूड्स ह्यूमन बींग के लिए, मतलब मेल्स के लिए बहुत फायदे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।